देखो जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाजिज्म पढ़ते हैं, तो नाजिज्म की कहानी क्या है कि हिटलर पावर में कैसे आया, क्या हुआ, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट यूनिट के पहले वाला पार्ट भी है, ये क्या है, एक छोटी सी स्टोरी है एक बच्चे की, ठीक है ना। अब इसकी कहानी कहाँ से हो रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर। किस पे हो रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर क्या हुआ था। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन हार गया था, हिटलर हार गया था। तो हमको थ्रू आउट चैप्टर पढ़ना क्या है, हमारा जो चैप्टर का एक्चुअल स्टार्टिंग होगा वो कहाँ से होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पे, कैसे जर्मनी हारा, जर्मनी की हालत कैसे खराब हुई। इस खराब हालत में जब जर्मनी को कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं मिल पाया, तो हिटलर पावर में कैसे आया, हिटलर पावर में कैसे आया, पावर में आने के बाद वो अपने पावर के हाईएस्ट पॉइंट तक कैसे पहुंचा, कैसे उसने 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करा, और कैसे 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो क्या हो गया, मर गया। आ रही बात समझ में। तो जो हमारा पहला यूनिट होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जर्मनी की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। सेकेंड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि जर्मनी की खराब हालत को कौन सुधारने के लिए आया हिटलर, वो पावर में कैसे आया, अपने पावर के पीक या पिनाकल पे कैसे पहुंचा, और फिर वो पावर से कैसे चला गया, ठीक है। थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे 1939 से लेके 1945 तक, या रादर बोले जब हिटलर पावर में आया था कब, 1933 में। तो 1933 से लेके जब 1945 तक हिटलर पावर में था, तब उसने अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों के साथ किस किस के साथ क्या क्या किया, ठीक है ना। और उसके पावर का इम्पैक्ट लड़कों पे क्या था, लड़कियों पे क्या था, स्कूल्स में कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए। और लास्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने पर, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने पर, वो लोग जिन्होंने नाजीज के अंदर या हिटलर के अंदर सफर किया, उन्होंने कैसे लोगों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग लास्ट यूनिट में। अब हम लोग जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सबसे पहली चीज यहाँ पर जो सबसे छोटा क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ। तो हमने बोला सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, 1945, और इसमें जर्मनी जीता कि हार गया, तो अगेन हार गया, ठीक है ना। हेलमट एक बच्चा था, ठीक है ना, उसके पापा जो थे वो क्या थे, फिजिशियन थे, जो किसके साथ काम करते थे, हिटलर के साथ कोलैबोरेट करके काम करते थे, ठीक है ना। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, तो हिटलर ने जिन जिन के साथ गलत किया था, कहीं ना कहीं इसके फादर को डर था कि इसके साथ भी क्या होगा, उतना ही गलत होगा, इसीलिए क्या करा, वो इतना डर गया था कि उसने खुद ने तो क्या कर लिया, सुसाइड कर ही लिया अपने ही बर्लिन बंकर में। लेकिन साथ ही साथ उसने क्या करा था, अपनी वाइफ को भी बोला था कि अपन लोग पूरी फैमिली साथ में मरे, कि अभी सिर्फ मैं ही मरता हूँ। इस बात से इसका बेटा इतना डर गया था कि इसने 9 साल तक घर का खाना नहीं खाया था, उसे इस बात का डर था क्या कि उसकी मदर उसको पॉइजन ना करे। आ रही बात समझ में। अब वन मार्कस के हिसाब से याद रखना, हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का नाम क्या था, गिबिल्स था, ठीक है ना। उसकी फैमिली ने भी क्या करा था, सुसाइड करा था, कहाँ पे, उसकी बर्लिन बंकर में, ठीक है ना। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि नाजी क्या था, तो हम बोलते हैं नाजी कोई, नाजीजम एक आइसोलेटेड एक्ट नहीं था, ये अपने आप में एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज था। क्या था, एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज था, किसके बारे में, अबाउट द वर्ल्ड एंड द पॉलिटिक्स, ठीक है ना। हिटलर जो था, वॉर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठा। अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल कहाँ बैठा, तो कहाँ बैठा, नरेमबर्ग में बैठा। कहाँ बैठा, नरेनबर्ग में बैठा। और उन्होंने नाजी क्रिमिनल्स को 3 क्राइम्स के अगेंस्ट क्या करा, प्रोसिक्यूट किया। कौन कौन से क्राइम्स थे, क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये 3 क्राइम्स हम लोग को क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे कि नरेनबर्ग में जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठा था, उन्होंने नाजीज को किस तीन कौन से 3 क्राइम्स के अंदर क्या करा था, प्रोसिक्यूट किया। तो सबसे पहले क्या, क्राइम्स अगेंस्ट पीस, दूसरा क्राइम्स वॉर क्राइम्स, और तीसरा क्या, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज। अब सुनो, अलीट पावर्स कौन थे, यूके, फ्रांस। 1941 में किसने वॉर ज्वाइन किया था, यूएसएसआर, यूएसएसआर मतलब क्या, रशिया एंड यूएसए। और एक्सिस पावर कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। ये भी ध्यान रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या वन मार्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब जर्मनी ने अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, शैडो मतलब वॉर तो चल ही रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इन्होंने सोचा कि जहां वॉर में इतने लोग
मर रहे हैं यहाँ पर, साथ ही में हम लोग एक जीनोसाइडल वॉल भी करते हैं, मतलब एक जैसे जीन्स के सभी लोग को क्या करते जाते हैं, मास में ग्रुप्स में क्या करते जाते हैं, मारते जाते हैं, ठीक है ना। तो इस जीनोसाइडल वॉर में इन्होंने क्या करा, 6 मिलियन ज्यूस को मारा, 2 लाख जिप्सीज को मारा, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को मारा, 70,000 जर्मन्स को मारा, जिनको इनको लगता था ये मेंटली मेंटली और फिजिकली अनस्टेबल हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी मारा। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मतलब वो लोग जो क्या करते थे, हिटलर को अपोज करते थे। नेक्स्ट, अगेन इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके किलिंग सेंटर कहाँ पे थे, ऑस्विच में भी थे, ठीक है ना। और इन्होंने जो 11 लीडिंग नाजीज थी उनको क्या थी, डेथ सेंटेंस दी, बाकी बचे हुओं को क्या थी, लाइफ इन प्रिजन में दी, लेकिन जो उनके क्राइम्स थे वो इससे क्या थे, बहुत ज्यादा थे। जीनोसाइडल अगर एग्जाम में डिफाइन आती है तो किलिंग ऑन लार्ज स्केल लेंडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल पीपल, एक कम्युनिटी के या एक जीन के लोगों को एक साथ बहुत ज्यादा मारना को हम लोग क्या कहते हैं, जीनो साइड। साइड मतलब होता है टू किल, जीनो मतलब किलिंग पीपल बिलोंगिंग टू अ गिवन जेनेटिक्स ओरिजिन, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा प्रॉपर यूनिट 1, दैट इज योर बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था, कब चालू हुआ था, तो हमने कहा सिंपल सी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था 1914 में, और खत्म कब हुआ, 1918 में। किसके साथ हो रहा था, एक तरफ तक कौन था, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर मतलब कौन था, जर्मनी और इटली और जापान, और दूसरी तरफ कौन थे, एलीज यानी कि इंग्लैंड फ्रांस और रशिया। आई बात समझ में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ, 1918 में, लेकिन यूएस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री कब मारी, 1917 में, और जैसे ही यूएस ने एंट्री मारी तो 1918 में जर्मनी क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया। आई बात समझ में, अब देखो कहानी ऐसी है कि जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार रहा था तो वहां के राजा एम्परर जिसने ये वॉर क्या करी थी, स्टार्ट करी थी, उससे सिचुएशन संभल नहीं रही थी, तो उसने पावर छोड़ दिया, या पावर छोड़ के भाग गया। देखो साफ साफ लिखा हुआ है एबडिकेशन ऑफ द एम्परर, अब राजा से चीजें नहीं संभल रही थी, उसने पावर क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो वहां की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी, कहाँ की, जर्मनी की, जो जर्मनी की पार्लियामेंट्री पार्टी थी, उन्होंने मिलकर क्या बनाई, एक नेशनल असेंबली बनाई, कहाँ पर, मिलके, वेमार में, और उन्होंने बोला अब हमारे देश में हम लोग मोनार्की से शिफ्ट होकर, एक नई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब अब पूरा पावर एक बंदे के हाथ में नहीं होगा जो नॉर्मली होता है। आई बात समझ में, बंदों का इलेक्शन हुआ, और जर्मन पार्लियामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रीचस्टैग, जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, रीचस्टैग कहते हैं, और जो रीचस्टैग बना इसमें क्या था, इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग विमेन, फर्क है। फ्रांस में विमेन को राइट टू वोट बहुत लेट मिला था, फ्रांस में विमेन को राइट टू वोट बहुत लेट मिला था, 1940s में मिला था। जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ही सबको क्या मिल गया था, राइट टू वोट मिल गया था, मेन एज वेल एज विमेन। बोलो कोई परेशानी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पावर क्या हुआ, इसने छोड़ दिया, तो रीचस्टैग जो है इधर पे क्या हुआ, राइट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या हमारा एक जर्मन पार्लियामेंट क्रिएट हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, आने वाली है, छप चुकी है, ठीक है, और जिसको ऑलरेडी आ गई हो सकता है उसको ना भी आए। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, एलैबोरेट, ऐसा क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो याद को तुमको बोला था 10, 10+3 13, 13 का डबल 26, 26 का ट्रिपल 75, और फिर 100, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे जर्मनी लॉस्ट, क्या बोलेंगे, जर्मनी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, 26% ऑफ इट्स कोल, कोल किसको लूज किया उन्होंने, फ्रांस, पोलैंड, लिथुनिया और डेनमार्क, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 100% यानी कि ऑल ऑफ इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। ये हुआ पहला पॉइंट किसका, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का, 10, 13, 26, 75, 100, 10 पॉपुलेशन, 13 टेरिटरी, 26 कोल, 75 आयरन, 100 यानी कि ऑल ऑफ इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है अलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। डीमिलिटराइज मतलब क्या होता है,
कि आप अपनी मिलिट्री और आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पहले तो क्या करा इनकी पॉपुलेशन, टेरिटरी, कोल, आयरन, ओवरसीज कॉलोनी सब ले ली। फिर उसको क्या कर दिया, डिमिलिटराइज कर दिया। तीसरा, इनको वॉर कॉम्पेंसेशन देना पड़ा, कितना, 6 बिलियन पाउंड। कितना देना पड़ गया, 6 बिलियन पाउंड। और जो अलाइड आर्मीज थी, जो, अच्छा, 6 बिलियन पाउंड क्यों देना पड़ गया, एज अ पार्ट ऑफ वॉर गिल्ट क्लॉज। वॉर गिल्ट क्लॉज ने क्या बोला कि ये जो वॉर हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जर्मनी। और क्योंकि इस वॉर के लिए जर्मनी जिम्मेदार है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला 6 बिलियन पाउंड। जो अलाइड आर्मीज थी उन्होंने क्या करा, रिसोर्स रिच राइनलैंड भी ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो ये है क्या हमारी ट्रीटी ऑफ वर्सेस। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी, जब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट समझते हैं तो बहुत गंदा था, डिवास्टेटिंग। कैसा था, डिवास्टेटिंग। जर्मनी जो था वो साइकोलॉजिकली और फिनेंशियली, साइकोलॉजिकली मतलब दिमाग से भी लोग क्या हो गए थे, बहुत उनको बड़ा धक्का लगा था, और फिनेंशियली भी जर्मनी की हालत क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न इंटू द कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स। मतलब पहले जो लोगों को पैसा बांटते थे, अब उनको क्या करना पड़ रहा था, पैसा उधार पे लेना पड़ रहा था। और इन सब की भुगतान किसको करनी पड़ी, इन्फेंट वेमार रिपब्लिक को। वेमार रिपब्लिक को इन्फेंट क्यों बोला है, क्योंकि वॉर वेमार रिपब्लिक ने स्टार्ट नहीं करी थी, वो तो बेचारा अभी अभी बना था, जब राजा से पावर नहीं संभल रहा था। आई बात समझ में। तो क्या लिखा है, द इन्फेंट वेमार रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। पाप क्या थे, ओल्ड एम्पायर की वॉर स्टार्ट करना, और भुगतना किसको पड़ रहा था, नए नए बने हुए वेमार रिपब्लिक को। इसके पास एक तो बर्डन था वॉर गिल्ट का, कि हम लोग वॉर हमारी वजह से ही क्या हुई, स्टार्ट हुई, और हम इस वॉर में क्या हो गए, हार गए। इस बात से नेशनल ह्यूमिलिएशन भी हुआ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे। तो मैंने कहा, हर वो लोग जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, हर वो लोग जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। कौन कौन थे ऐसे लोग जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, तो हमने कहा सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स और डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स। तो जितने भी कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल थे, कौन थे, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल। कंजर्वेटिव मतलब जो चाहते थे राजा का ही पावर रहता, वेमार रिपब्लिक जैसी कोई चीज कभी क्रिएट होती ही नहीं, वो इनका मजाक उड़ाते उड़ाते इन्हें क्या कहते थे, नवंबर क्रिमिनल्स। क्या कहते थे, नवंबर क्रिमिनल्स। तो आता है क्या, ऑल दोज हु सपोर्टेड वेमार रिपब्लिक, स्पेसिफिकली कौन, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स वर, एंड बिकेन टारगेट्स ऑफ अटैक इन कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स, एंड दे वर मॉकिंगली कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स, ठीक है। अब अगर हम लोग पॉलिटिकल इंपैक्ट देखें, पॉलिटिकल इंपैक्ट देखें, तो हमने देखा कि इनकी हालत क्या थी, बहुत खराब थी। सोसाइटी पे देखें, तो अब सोसाइटी में इंपैक्ट ऑन सोसाइटी क्या था, जो सोल्जर्स थे उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सिविलियंस से बहुत ज्यादा, ठीक है ना। जितने भी पॉलिटिशियंस थे या जितने भी पब्लिसिस्ट थे, वो क्या बोलते थे कि लड़कों को तो कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव, गुस्से वाला होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वॉर में हम क्यों हारे, क्योंकि ये सब नहीं था। तो अगर हमारे पास, लड़की कैसे होते, अग्रेसिव होते, स्ट्रांग होते, मैस्कुलिन होती होते, तो क्या होता, हम लोग हो सकता है वॉर जीत जाते। मीडिया ने ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच लाइफ क्या होते है, जहां वो खड़े होकर वॉर लड़ते हैं, उसको ग्लोरिफाई किया। पर सच क्या ये था, नहीं, सच तो क्या था कि सोल्जर्स बहुत मिजरेबल, बहुत गंदी, बहुत बुरी जिंदगी जी रहे थे। उनको क्या करना पड़ता था, आसपास डेड बॉडीज रहती थी जिनको चूहे खाते रहते थे, पॉइजनस गैस फेस करते थे, सामने वाले एनिमी की क्या करते थे, शिलिंग या फिर गोलियां खाते थे। और दिन पे दिन उनका प्रमोशन होने की बजाय क्या होता जा रहा था, डिमोशन होता जा रहा था। उनकी रैंक्स दिन पे दिन क्या होती जा रही थी, रिड्यूस होती जा रही थी, ठीक है ना। इसके अलावा अब लोगों को वॉर वॉर अच्छी लगने लग गई, तो पूरी सोसाइटी में एक ही कहानी चल रही थी, क्या, अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा, वॉर अच्छी है, वॉर अच्छी, वॉर अच्छी, एंड नेशनल नेशनल ऑनर, देश की इज्जत के लिए आप अगर मर भी जा रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है। तो पूरे पब्लिक स्फीयर में एक ही कहानी चल रही थी, क्या, अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर। और इसीलिए लग रहा था कि ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि वेमार रिपब्लिक, ऐसी सरकारों से तो बेटर क्या है, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप है,
और वेमार रिपब्लिक अभी यहाँ पर कोई भी रिपब्लिक या कोई भी डेमोक्रेसी अभी जर्मनी में बहुत यंग आइडिया था, फ्रेजाइल, जो आराम से क्या हो सकता है, लोगों का पेट जिसमें से टूट सकता है। तो बोला ये जो है, यूरोप में सब जगह लड़ाइयां चलती थी, तो बोला यार कोई रिपब्लिक इस तरह की लड़ाइयों को संभाल नहीं सकती है। अगर आपको यूरोप में आपका देश है तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, ठीक है। इसी टाइम पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी कहाँ की, जर्मनी की, वो भी क्या थी, खराब। क्यों? बिकॉज जर्मनी की में जो वेमार रिपब्लिक थी उसी के साथ एक और लीग पावर में आई थी, जिसको बोलते हैं क्या, स्पार्सिस लीग, जो किस हिसाब से बनी थी, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को दिमाग में रखकर बनी थी। यानी कि जर्मनी में अब एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था, यानी कि वो रशिया के मॉडल को फॉलो कर रहा था। उनके हिसाब से पावर किसके हाथ में होना चाहिए, वर्कर्स और लेबरर्स के हाथ में होना चाहिए और नॉर्मल लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जर्मनी में भी दो ग्रुप बन गए थे, एक कौन सा, वो लोग जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरा कौन सा जो किसको सपोर्ट कर रहा था, स्पासिस लीग को। स्पासिस लीग कौन थी, जो रशियन रिवॉल्यूशन के बेस पे बनी थी, जो वर्कर्स और सेलर्स थे जिन्होंने बनाई थी, ठीक है ना। ठीक है, तो बहुत सिटीज में जो बर्लिन का एटमोसफेयर था या ये था, वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था, क्योंकि सब लोग क्या चाहते थे, सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट मतलब जो पावर होना चाहिए, सरकार जो होनी चाहिए, वो कौन बनाए, वर्कर्स बनाए, या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बनाए। इसी के लिए क्या हुआ था, यहाँ पे अपराइजिंग भी हुआ था। अब ये लोग जो भड़के थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कौन, स्पार्सिस लीग वाले, इनको दबा दिया था, हरा दिया था, किसने, फ्री कॉप्स ने। किसने हरा दिया था, फ्री कॉप्स ने। अगर एग्जाम में आता है क्या कि फ्री कॉप्स क्या होते हैं, तो फ्री कॉप्स क्या था, एक वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेसिकली क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सल्स ने क्या करा था, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया था। डीमिलिटराइज कर दिया मतलब कोई भी बंदा मिलिट्री में काम नहीं कर सकता। तो जितने भी वॉर वेटरन्स थे, जो पहले मिलिट्री में थे या जो पहले वॉर में लड़ते थे, उन्होंने खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी थी जिसका नाम क्या था, फ्री कॉप्स। तो जब भी गवर्नमेंट को क्या लगती थी, इनकी हेल्प लगती थी, तो ये लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट की हेल्प कर देते थे, ठीक है। तो जब स्पासिस्ट की जो ये थी, क्या कहती, इनकी जो अपराइजिंग थी, ये किसने करी थी, दबा दी थी, तब क्या हो गया था, तब जो स्पासिस्ट थे उन्होंने क्या बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई थी। बाद में हालत ये थी कि कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कौन थे, वेमार रिपब्लिक वाले, कम्युनिस्ट कौन थे, स्पासिस्ट लीग वाले, ये लोग इररिकंसीलिएबल एनिमल्स बन गए थे। मतलब ये एक दूसरे से क्या करते थे, नफरत करते थे। तो अगर हिटलर पावर में आया भी, तो ये लोग तो ऑलरेडी डिवाइडेड थे, तो अगर इसको हिटलर को चाहते भी रोकना, तो ये खुद ही आपस में इतना लड़ते रहते थे कि हिटलर को ये क्या ही रोकते। और इसीलिए ये हिटलर वाली चीज, हिटलर जो डिक्टेटरशिप क्रिएट हुई, उसमें ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। अब ये जो ऊपर इमेज दिया हुआ है, देखना इसको ध्यान से, ये किस चीज का इमेज है, 1918-1919 में, ये बर्लिन का जगह, बर्लिन है इस जगह का नाम, और यहाँ पर क्या है, रैली ऑर्गेनाइज करी है किसने, स्पासिस्ट लीग। आई बात समझ में? अब ये पूरी कहानी क्या थी, अभी हमने देखा किसकी, पॉलिटिकल, पहले हमने क्या देखा, सोशल, पहले हम लोगों ने क्या देखा, सोशल देखा, कि लड़कों को कैसा होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, ये सारी कहानी कहाँ की थी, सोशल की। फिर हमने अब देखा पॉलिटिकल सिचुएशन भी क्या थी जर्मनी की, खराब थी, क्योंकि स्पार्सिस्ट और या कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आपस में एक दूसरे से पूरे टाइम क्या करते रहते थे, लड़ते ही रहते थे। अब हम लोग देखेंगे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। तो पहली बात तो क्या था, फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स इट टर्न इनटू अ कॉन्टिनेंट ऑफ डेटर्स। जर्मनी ने जो वॉर लड़ी थी वो लोन्स पे लड़ी थी, और अब इसको वॉर रेपरेशंस क्या करनी थी, गोल्ड में देनी थी। जो ये इनको वॉर बिल क्लॉज था ना, कि आपकी वजह से वॉर हुई, आपकी वजह से वॉर हुई तो आपको ये सब ठीक करना है, तो आपको पैसा कैसे देना पड़ेगा, गोल्ड में। इस वजह से जर्मनी की गोल्ड रिजर्व्स दिन पे दिन क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। बाद में जर्मनी ने जब बोला कि हम और ज्यादा गोल्ड आपको नहीं दे सकते हैं, तो फ्रांस ने क्या करा, इनका रिसोर्स रिच राइन रूर एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब ये तो गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई, कि आपके पास वैसे कुछ नहीं है, और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका कोल कौन लेके जा रहा है, फ्रांस लेके जा रहा है।
इस बात पे जर्मन्स को गुस्सा आया तो उन्होंने करेंसी क्या कर दी, प्रिंट करना स्टार्ट कर दी बिना सोचे समझे, जिस वजह से जर्मनी की करेंसी बहुत ज्यादा गिर गई, इतनी गिर गई, इतनी गिर गई जर्मन वार्क की वैल्यू की हर चीज क्या होगी, बहुत ज्यादा महंगी होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा इमेज दिखता है जिसमें एक कार्ट है जिसमें पूरा क्या है, ठेला भर के जो पैसे हैं वो आपको क्यों लेके जाने पड़ रहे हैं, सिर्फ एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए। तो इस क्राइसिस को क्या कहा गया, हाइपर इन्फ्लेशन, जब चीजें रिक्वायर्ड से क्या हो गई, बहुत ज्यादा महंगी हो गई। आ रही बात समझ में? तो ये कौन सी कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जर्मनी थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इतनी बुरी हालत में कौन आया इनको बचाने, अमेरिका। क्या लेकर आया साथ में, डेव्स प्लान। डेव्स प्लान क्या था, बोला यार देखो माना जर्मनी से गलती हुई है पर आप सारे रिसोर्सेज इनसे अभी ले लोगे तो ये कैसे काम करेंगे। इसलिए इन्होंने क्या करा, जो रेपरेशन था और फाइनेंशियल बर्डन था जर्मनी पे वो इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, अब थोड़े दिन क्या था, सुख था। 1924 से लेकिन 1928 तक सब कुछ क्या चल रहा था, स्टेबल चल रहा था। लेकिन किसे पता था कि जो यूएसए क्या कर रहा है, जर्मनी को बचाने आया है, उसी के घर में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, उसी का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज या उसी का स्टॉक मार्केट क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो 1929 में यूएसए में क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज या फिर वहां का स्टॉक मार्केट क्या हो गया, क्रैश हो गया। अब जब खुद के घर में आग लगेगी तो आप किसी और को तो बचाने जाओगे नहीं, तो ऐसे में जो इसने जर्मनी को हेल्प प्रोवाइड करी थी वो सारी हेल्प क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि अमेरिका में ही हालत क्या थी, बहुत ज्यादा खराब थी, चीजों के प्राइसेस गिर गए थे, 13 मिलियन शेयर एक दिन में ही क्या हो गए थे, बिक गए थे, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट्स गिर गए थे, फार्मर्स की हालत बहुत खराब थी, और सबने मार्केट में से पैसा क्या कर लिया था, निकाल लिया था। अब क्योंकि यूएसए जो जर्मनी की मदद कर रहा था वहां पर हालत ये थी, तो जर्मनी की भी हालत क्या थी, जाहिर सी बात थी खराब होनी ही थी। तो इस चक्कर में 1932 तक जर्मनी में भी क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होते होते कितना गिर गया था, 40%। वर्कर्स की जॉब्स चली गई थी या फिर उनको पैसे क्या मिल रहे थे, कम मिल रहे थे। हालत ये थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा था कि लोग प्लेकार्ड लेके घूम रहे थे, क्या विलिंग टू डू एनी वर्क, हमको कोई भी काम दे दो, हम कोई भी काम कर लेंगे बट काम दे दो। और जब लोगों को काम नहीं मिल रहा था तो यूथ ने क्या करा, क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, हालत बहुत ज्यादा क्या थी, खराब थी। अच्छा, ये तो यूथ की बात हुई, जिन मिडिल क्लासेस ने पहले से बहुत सारी सेविंग्स क्या करके रखी थी उनको भी लगा था उनकी सेविंग्स दिन पे दिन क्या होती जा रही, कम होती जा रही, क्योंकि करेंसी की वैल्यू वापस क्या हो रही थी, गिरती जा रही थी। कुछ सेक्शन का तो सोसाइटी को इनको डर था किस चीज का, प्रोलेटेरियनाइजेशन, इसका मतलब इतने गरीब हो जाना, इतने गरीब हो जाना कि बहुत ज्यादा गरीब हो जाना। आ रही बात समझ में? ठीक है, बड़े बिजनेसेस की भी हालत क्या थी, खराब थी। ठीक है ना, पीजेंट्री की भी हालत क्या थी, खराब थी। ठीक है ना, तो हालत ओवरऑल जर्मनी में क्या थी, 1929 से लेकिन 1932 तक जो डिप्रेशन, ग्रेट ईयर्स ऑफ डिप्रेशन थे उसमें क्या थी, जर्मनी की हालत बहुत खराब थी। अब जब ये सब हालत खराब थी तब जर्मनी की गवर्नमेंट यानी कि वेमार रिपब्लिक या रीचस्टैग पार्लियामेंट क्या कर रहा था, तो जवाब है क्या, कुछ नहीं कर पा रहा था। मुद्दा क्यों कुछ नहीं कर पा रहा था, तो इसके दो कॉज थे, वेमार रिपब्लिक में दो डिफेक्ट थे उसी दिन से जिस दिन से ये पैदा हुआ था या बना था। पहला डिफेक्ट क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर मिस्टर एक्स की पार्टी 3 वोट जीती है तो वो 3 बंदों को क्या करेंगे, पावर में रखेंगे, इसके 10 लोगों को रखेंगे, इसके 15, तो कोई भी एक मेजर रूलिंग पार्टी नहीं, हर पार्टी के क्या थे, बहुत बहुत सारे लोग थे। आ रही बात समझ में? ऐसे में कोई एक बंदा किसी तरह का कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता था क्योंकि अलग अलग रूल थे, तो कोई भी बंदा किसी भी दूसरे बंदे की बात सही से मानता ही नहीं था। आ रही बात समझ में? और सेकेंड डिफेक्ट जो था वो था आर्टिकल 48। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 48 क्या है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो आर्टिकल 48 ने क्या करा था, प्रेसिडेंट को पावर दे के रखे थे, आप जब चाहे इमरजेंसी क्या कर दो, इम्पोज कर दो, लोगों के सिविल राइट्स क्या कर लो, छीन लो, रूल बाय डिक्री करो, कि राजा ने मतलब अगर एक किसी प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि अब यहाँ पर क्या होगा, ये चीज होगी, तो नो क्वेश्चन आस्क, कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, वो चीज होगी ही। आ रही है बात समझ में? तो बार बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती थी। वेमार रिपब्लिक ने 20 अलग अलग तरीके के कैबिनेट्स देखे, कितने दिन में, 230
9 days में, और बार बार क्या होता था, आर्टिकल 48 यूज हो जाता था, तो लोगों को अब डेमोक्रेसी के सेटअप से ही क्या होने लग गई थी, चिढ़ होने लग गई थी कि अगर डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है कि आपसे सिचुएशन संभल ही नहीं रही है, तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। तो दो इनहेरेंट डिफेक्ट क्या थे वेमार रिपब्लिक के, एक था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा क्या था, आर्टिकल 48। इज दैट क्लियर? यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट यूनिट किसका, नाजिज्म का, खत्म होता है। ठीक है, अब हमने यूनिट 1 में क्या देखा, हमने यूनिट 1 में देखा कि लोगों का डेमोक्रेसी से और रिपब्लिक से तो भरोसा उठ गया था, तो ऐसे में हिटलर जब पावर में आया तो लोगों का डिक्टेटरशिप पे भरोसा ऑलरेडी क्या हुआ था, बड़ा हुआ था ही, ठीक है ना। अब कैसे बड़ा हुआ था, तो सबसे पहले बात करते हिटलर कौन, तो हमने कहा हिटलर जो था क्या था, ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ था 1889 में। उसने अपना यूथ पूरा गरीबी में बिताया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उसने खुद को क्या करा, आर्मी में एनरोल कर दिया, वहां पे पहले मैसेंजर बना, फिर कॉर्पोरल बना, फिर मेडल्स जीते ब्रेवरी के लिए, मतलब उसको मजे आ रहे थे कुल मिलाकर, उसका तो प्रमोशन हो रहा था, जितनी ज्यादा वॉर उतना ज्यादा उसके पास क्या था, काम था, उतना ज्यादा उसका प्रमोशन हो रहा था। लेकिन जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई तो उसका दिमाग खराब हो गया, उसको ट्रीटी ऑफ वर्सल से बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो किसने क्रिएट करी थी, ट्रीटी ऑफ वर्सल्स ने ही क्रिएट करी थी। इसलिए 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में ये जर्मन वर्कर्स पार्टी का ही क्या बन गया, लीडर बन गया, और उसको नाम दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको पॉपुलरली इसने क्या नाम दिया, नाजी पार्टी। ठीक है, हिटलर ऐसा ही था, शुरू से ही सक्सेसफुल था। 1923 में इसने सोचा मैं बवारिया ले लेता हूँ तो पावर मेरे हाथ में आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ये फेल हो गया, इसको अरेस्ट किया गया, इसको देश, ट्रीसन मतलब होता है देश के साथ क्या करना, गद्दारी करना, धोखा करना, देशद्रोह करना, तो इसको ट्रीसन के चक्कर में क्या करा करा, और बाद में इसको बोल दिया चल तू दो जा। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, जब क्या थी, जर्मनी की हालत बहुत 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 ज्यादा खराब थी, तब जो नाजिज्म था एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बन गया, क्योंकि बैंक्स की हालत खराब थी, बिजनेसेस बंद हो गए थे, वर्कर्स के पास जॉब नहीं थी, मिडिल क्लास को लग रहा था कि हम लोग क्या करेंगे, गरीबी की रेखा के नीचे ही चले जाएंगे। ऐसे में नाजी का प्रोपगंडा लोगों के दिल में उम्मीदें जगा रहा था, स्टिर्ड होप। स्टिर्ड होप्स मतलब क्या, एक बार नाजी पार्टी को क्या करने दो, पावर में आने दो, ये जो बैंक वैंक सब बंद हुए हैं, बिजनेस खराब हुए हैं, ये सब कौन ठीक कर देगा, आई बात समझ में, ठीक है ना। 1928 में जिस नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% क्या मिले थे, वोट मिले थे, उसी पार्टी को 1932 में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले, ऑलमोस्ट कितने, 37%। तो ऐसा क्या करा नाजीज ने, ऐसा क्या करा नाजीज ने जो इनको एकदम से ही क्या हो गया, इतने सारे वोट मिल गए। तो हमने कहा कि जो नाजी थे उनमें सबसे प्रॉपर रोल किसका था, हिटलर का। हिटलर अपने आप में क्या था, एक बहुत पावरफुल स्पीकर था, उसके वर्ड्स और उसके पैशन में ना लोग हिल जाते थे। इसने अच्छे अच्छे प्रोमिसेस करे, कौन कौन से प्रोमिसेस करे, तो पहला टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, देखो ए हेडिंग में डला हुआ है, बी अंडू द इनजस्टिस ऑफ ट्रीटी वर्सेस 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 ट्रीटी की, वर्सेस ट्रीटी में जो नाइंसाफी जर्मनी के साथ हुई है उसको मैं क्या कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। थर्ड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, बोला सब जर्मन्स को क्या लोग इज्जत से देखेंगे। बोला चौथे बात, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूंगा जिनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, यूथ को सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड करूंगा, और बोला जितने भी फॉरेनर्स जर्मनी के अगेंस्ट अलग 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 तरीके की क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उनकी साजिश को भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, आई बात समझ में। तो ऊपर देखो ये जो फिगर है, अगेन याद रखना ये 1936 की नरेनबर्ग रैली का है, ठीक है ना। और ऐसी रैलीज क्या होती थी, हर बार होती थी ताकि नाजीज का पावर लोगों को दिख पाए, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हिटलर होता था, उसके स्वास्तिक के साइन होते थे, उसकी स्पीचेस होती थी, उसी के लोग उसकी स्पीचेस के बाद क्या करते थे, तालियां बजाते थे, ताकि सबको दिखे कि सिर्फ एक बंदा नहीं, पूरा ही जर्मनी किसको सपोर्ट कर रहा है, नाजीज को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसको बोलते हैं स्पेक्टेकल ऑफ पावर, आप पावर दिखाओगे ना तो लोग और आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, जो पहले नहीं भी थे वो देखा देखी लोगों के सपोर्ट में आ जाएंगे। और यही क्या था, हिटलर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हिटलर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में हिटलर को समझ में आ गया कि मेरे को रिचुअल्स करनी है, स्पेक्टेकल, लोगों को दिखना चाहिए, इसी से मास मोबिलाइजेशन होगा, इसलिए लोग ग्रुप में मेरे पास क्या करेंगे, मुझे सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन
करेंगे। इसलिए ये अपनी पावर दिखाने के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स रैलीज करते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे, ताकि ये क्या दिखा पाए कि हम लोग हिटलर को सपोर्ट करते हैं, है ना। और हम सारे यूनाइटेड हैं, हम सब जो जो हिटलर को सपोर्ट कर रहे हैं ना, मतलब वो जर्मनी, यूनाइटेड जर्मनी के पार्ट है, और जो लोग हिटलर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो जर्मनी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रेड बैनर्स विद स्वास्तिक, नाजी सैल्यूट, उसकी स्पीचेस के बाद क्या करना, अपलोड करना, ये सब क्या था, एक तरीके का दिखावा था जो लोगों को दिखाने के लिए जरूरी था कि अगर आप हिटलर को सपोर्ट कर रहे हो तो आप सही कर रहे हो, क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं, है ना। ये मैं देखो इसमें हिटलर क्या है, एसए और एसएस कॉलम्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या उनको स्पीच दे रहा है, ठीक है। तो नाजी का जो प्रोपेगेंडा था उनमें उन्होंने हिटलर को क्या करा, एक मसीहा की तरह दिखाया, एक सेवियर की तरह दिखाया, जो इनके सारे दुख दर्द डिस्ट्रेसेस क्या कर देगा, दूर कर देगा। और लोगों की इमेजिनेशन जो थी, वो अब उनको इमेजिनेशन में दिख रहा था कि हिटलर के आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राउडली खड़े हो पाएंगे, और हमारे पास जितने भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स कौन खत्म कर देगा, हिटलर खत्म कर देगा। और यही रीजन है कि हिटलर को 37% वोट मिल पाया। अब क्या हुआ, क्योंकि इसको 37% वोट मिल गए तो नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी गई। लेकिन हिटलर को क्या करना था, जर्मनी से ये हरी कहानी डेमोक्रेसी वाली हटानी थी उसको, तो वहां क्या एस्टेब्लिश करनी थी, डिक्टेटरशिप। तो जैसे ही 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने क्या करा, हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है चांसलरशिप क्या होती है, तो क्या होती है, हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तो हिटलर तो सुख बैठा ही था कि मेरे को पावर चाहिए, तो उसने रेडिली इस पोजीशन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और बोला अब मैं धीरे धीरे डेमोक्रेटिक रूल को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब एक अचानक कैसे, पता नहीं है कैसे, जर्मन पार्लियामेंट में क्या हुआ, एक दिन आग लग गई, और हिटलर ने क्या पास कर दिया, फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933, जिसमें सारे लोगों के सारे सिविल राइट्स क्या कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, कि अब किसी को भी कोई भी सिविल राइट नहीं मिलेगा। हिटलर इंतजार में ही था कि मैं क्या करूंगा, जैसे ही डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप पे शिफ्ट करूंगा तो लोग तो रोड पर उतर आएंगे, उसको ये चीज नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने लोगों से पहले ऐसा कुछ करे, उसके पहले ही लोगों से क्या करे, सारे की सारे राइट्स ले लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस ले ली, फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि आप इकट्ठे भी नहीं हो सकते। और ये सारे राइट्स जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, ये फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 ने क्या करे, ले लिए। अब इसको लगा, अब इसको कौन अपोज कर सकता है, तो बोला कम्युनिस्ट अपोज करेंगे। तो सारे कम्युनिस्ट इसने ढूंढे और सबको कहाँ भेज दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया, ठीक है ना। अब ये जगह का नाम सिर्फ याद रखना कि कम्युनिस्ट को इतना तंग किया था कि ये एक सिटी है डसेलडॉर्फ, जहां पर 500,000 पॉपुलेशन है, जिसमें सिर्फ 6,808 फाइल्स में से 1,448 फाइल्स तो सिर्फ किसकी भी, कम्युनिस्ट की, हो सकता है उनका कोई रियल गलती भी ना हो, बट सिर्फ हिटलर को इनसिक्योरिटी दी कि ये मेरे को अपोज ना करें, इसके पहले इनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर 28 फरवरी को फायर डिग्री पास हुआ, 3 मार्च को इसने इनेबलिंग एक्ट पास किया। अगर एग्जाम में आता है कि कौन से एक्ट ने जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करी, तो आंसर क्या होगा, द इनेबलिंग एक्ट ऑफ 3 मार्च 1933 एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, एंड इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है, एंड रूल बाय डेकरी, रूल बाय डेकरी मतलब जैसा हिटलर बोलेगा वैसा होगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ट्रेड यूनियंस थी, एक्सेप्ट नाजी पार्टी, सबको क्या कर दिया, बैन कर दिया। और हिटलर ने इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी, इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी सब पे क्या कर लिया, खुद का कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। पर हिटलर के लिए भी सारी चीजें इतनी करना आसान नहीं थी, इसके लिए उसको बहुत से लोगों का करना था, कंट्रोल करना था। और इसके लिए हिटलर ने क्या करा, अलग अलग तरह की सर्विलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही क्या करके रखी, तैयार करके रखी थी। कैसी सर्विलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस, तो तब हमने बोला सबसे पहले तो इनके पास एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स थी जो कोयम में थी, ग्रीन यूनिफॉर्म में थी। फिर ऐसे या स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, जिसमें गेस्टेपो थे, सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस थे, प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस अलग थी और सिक्योरिटी सर्विस अलग थी। आ रही बात समझ में, यानी कि कहने की बात यह है कि इतनी सारी फोर्सेस की प्रेजेंस में
कोई भी बंदा हिटलर के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकता। और इन सारे फोर्सेस को भी इन्होंने क्या करे, बहुत सारे पावर दे दिए, इतने पावर दे दिए कि माना जाता था नाजी स्टेट्स का जो रेपुटेशन था वो सबसे ड्रेडेड, सबसे खतरनाक क्रिमिनल स्टेट होता था। बोला अगर पुलिस के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को क्या कर सकती है, टॉर्चर चेम्बर्स में रख सकती है, उनको जब चाहे क्या कर सकती है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज सकती है, पुलिस के पास पावर है कि वो उनको देश से क्या कर सकती है, निकाल सकती है, चाहे तो उनको अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। तो इतनी सारी पावर्स उसने इतनी सारी फोर्सेस को क्या कर दी थी, दे दी थी। क्या हिटलर पावर में तो आ गया, डिक्टेटरशिप भी एस्टैब्लिश कर दी। कोई याद आया मैंने लोगों से वादे भी किए थे कि मैं इकोनॉमिक रिकवरी करवा के दूंगा, तो इसने मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूंगा, मैं जर्मन्स की डिग्निटी अच्छी करूंगा, तो भैया उसने बोला अब काम भी करना पड़ेगा। इसलिए इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उसने किसको बुलाया, जलमार सैच को। किसको बुलाया, जलमार सैच को। जलमार सैच ने बोला देखो कुछ मत करो, फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, फुल प्रोडक्शन, बहुत सारा प्रोडक्शन करो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो क्या आ जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को क्या मिलेगा काम। मुद्दा पैसा कहाँ से आ गया, बोला गवर्नमेंट देगी, कौन देगी, गवर्नमेंट। तो फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम के अंदर फेमस जर्मन सुपर हाईवेज भी बने थे, और इसी प्रोग्राम के अंदर पीपल्स कार वोक्सवैगन भी बनी थी, क्योंकि आप हाईवे बनाओगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आप कार की फैक्ट्री डालोगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आ रही बात समझ में। अब ये तो क्या थी, इकोनॉमिक रिकवरी थी। इस इकोनॉमिक रिकवरी में भी जलमार सैच ने हिटलर को बोला था कि सुनो अभी हमको रीआर्मामेंट पे खर्चा नहीं करना है, रीआर्मामेंट मतलब जर्मनी के लड़ाई के लिए हथियार नहीं खरीदने थे, क्योंकि अभी भी हमारा स्टेट डेफिसिट फाइनेंसिंग पे चल रहा है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब हमने अभी भी बहुत सारा पैसा लोगों से उधार लेकर रखा हुआ है। पर हिटलर को इसकी बात नहीं माननी थी, और इसलिए इसको क्या करा, जाना पड़ गया। अब आते हैं किस पे, हिटलर की फॉरेन पॉलिसी पे। किस पे आते हैं, हिटलर की फॉरेन पॉलिसी पे। हिटलर लीग ऑफ नेशंस से पुल आउट हो गया 1933 कि भैया मैं तो लड़ाई वड़ाई लोगों से करूंगा, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और लीग ऑफ नेशंस से बाहर आते ही इसने जो राइनलैंड, जो किसके पास था, रिसोर्सेस, राइनलैंड फ्रेंच के पास था, वो क्या करा इसने, वापस ले लिया। इसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को 1938 के अंदर कंबाइन कर दिया, यूनाइट कर दिया, बोला वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। तो बोला अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक ही देश है, वन एम्पायर, हमारे लोग भी एक ही और हमारे लीडर भी एक ही है, कौन, हिटलर। आ रही बात समझ में। फिर ये कहा गया, शिकोस्लोवाकिया गया, पूरी कंट्री खा गया। आई बात समझ में। और इन सब में इसके पास एक अनस्पोकन सपोर्ट था, किसका, इंग्लैंड का, कि लोगों पे अटैक कर रहा था, आसपास के छोटे मोटे देश खा भी रहा था, तो भी इसको कौन कुछ नहीं बोल रहा था, इंग्लैंड की, भैया ललची ठीक है तू लड़। क्यों इंग्लैंड कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि ट्रीटी ऑफ वर्सल्स बहुत ज्यादा क्या थी, हार्श थी, जर्मनी के साथ इतना भी गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हिटलर को तो एक ही बात समझ में आया कि क्या, वॉर वॉर वॉर, उसको वॉर सबसे आसान तरीका लग रहा था गरीबी दूर करने का अपने देश से, और अपने देश में क्या लाने का, प्रॉस्पेरिटी लाने का, ठीक है। तो इसको लग रहा था रिसोर्सेस तो चाहिए, अगर जर्मनी को पैसा चाहिए या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देनी, तो हमको रिसोर्सेस लगेंगे, लैंड लगेगा, पैसा लगेगा, मशीनरी लगेगी, तो ये सब ये कहाँ से लाएगा, आसपास के देश के लोगों को, देशों को अपने देश में मिलाकर। सबसे बड़ी गलती कहां से स्टार्ट हुई, सितंबर 1939, जो क्या है, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो अब तक जो इंग्लैंड का क्या था, सपोर्ट था किसके पास, जर्मनी के पास, इंग्लैंड ने अपना सपोर्ट क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। और क्योंकि इसने पोलैंड पे अटैक किया, तो जर्मनी की लड़ाई किसके साथ स्टार्ट हो गई, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। तो जर्मनी ने बोला मैं भी अकेला नहीं हूं, इसने क्या साइन कर लिया 1940 में, त्रिपार्टी पैक, किसके साथ, जर्मनी और सॉरी इटली और जापान के साथ। तो अब वहां उस टीम में कौन हो गए, इंग्लैंड और फ्रांस, जो किसकी रक्षा कर रहे थे, पोलैंड की। और यहाँ तीन पार्टीज कौन कौन सी होगी, जर्मनी इटली और जापान।
आई बात समझ में। और जहां जहां जर्मनी जीतता वहां पर वो क्या करता, पपेट रेजाइंस बिठा देता, मतलब वो राजा बिठा देता जो किसकी बात मानेंगे, हिटलर की ही बात मानेंगे। 1940 तक हिटलर अपने पावर के पिनाकल पे था, यानी कि कहां था, हाईएस्ट पॉइंट पर। अब इसका मन भरा नहीं था, इसको ईस्टर्न यूरोप भी कॉन्कर करना। बाय ईस्टर्न यूरोप वी मीन रशिया, सोवियत यूनियन। इसलिए इसने 1941 में, इसलिए इसने 1941 में किस पे अटैक कर दिया, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया पे। इसको हिटलर का हिस्टोरिक ब्लंडर माना जाता है। क्या माना जाता है, हिस्टोरिक ब्लंडर, क्योंकि एक तरफ इसकी वॉर ऑलरेडी किससे चल रही थी, इंग्लैंड और फ्रांस से चल रही थी, कहां पर, वेस्टर्न फ्रंट पे, और ईस्टर्न फ्रंट पे इसने किस पे अटैक कर दिया, रशिया पे या सोवियत यूनियन पे। अब सोवियत यूनियन की आर्मी क्या होती, खतरनाक, रेड आर्मी क्या होती, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटिशर्स एरियल बॉम्बिंग कर रहे थे, हवा से बम फेंक रहे थे जर्मनी पे, और ईस्टर्न जर्मनी पे जो सोवियत आर्मी थी वो लड़ते 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 जर्मन को हराते 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 कहाँ आ गई थी, स्टालिनग्राड तक आ गई थी। और ये जर्मन सोल्जर्स को तब तक पछाड़ती गई, तब तक पछाड़ती गई जब तक वो बर्लिन के सेंटर तक नहीं आ गई। इससे एक बात समझ में आ गई क्या, कि रशिया जो है और जो रेड आर्मी है वो बहुत पावरफुल आर्मी है। देखो क्या लिखा है, एस्टैब्लिशिंग सोवियत हेगेमोनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी देयर, कि रशिया और सोवियत यूनियन से पंगे लेने से पहले क्या करोगे, चार बार सोचोगे, वरना इनकी आर्मी ऐसे क्या करती है, हरा देती है। अभी तक वॉर में कौन आया नहीं था, यूएस, यूएस की कोई इच्छा भी नहीं थी। लेकिन 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 किसके दिल में आग लगी हुई थी, जापान। जापान को क्या करना था, फ्रेंच इंडो चाइना तो उसने ऑक्यूपाई कर ही लिया था, अब उसकी इच्छा थी कि वो यूएस को भी ऑक्यूपाई करे, इसलिए उसने यूएस के नेवल बेसिस पे अटैक किया पैसिफिक में। आ रही बात समझ में। और जैसे ही यूएस बेस पर्ल हार्बर पे इसने बॉम्बिंग करी, अब किसको गुस्सा आ गया, अमेरिका को। और अमेरिका कहाँ आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब वॉर कैसे खत्म हुआ, अमेरिका की जीत पे 1945, हिटलर की हार पे। और अमेरिका ने क्या कर दिया, हिरोशिमा पे इन जापान पे क्या कर दिया, बॉम्ब गिरा दिया। आया समझ में। तो हम लोगों ने यूनिट वन में क्या देखा था कि कैसे जर्मनी परेशान था, यूनिट टू में कैसे देखा हिटलर पावर में कैसे आया, उसने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करी पावर में आने के लिए, है ना, कैसे वो अपने पावर के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद कैसे उसने क्या करा, इंग्लैंड रशिया इन सबसे लड़ाई स्टार्ट कर दिया, और कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1930 में स्टार्ट होके 1945 पे अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराया उस पर क्या हुई, खत्म हुई। बोलो कोई परेशानी।